आज मैं आपको परमा एकादशी की कहानी सुना रही हूँ। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, मलमास के महीना में कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी का पूजन करना चाहिए? कृष्ण बोले, मलमास के महीने में परमा एकादशी का पूजन करना चाहिए। परमा एकादशी के पूजन से सब फलों की प्राप्ति होती है। परमा एकादशी शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी की तरह ही करना चाहिए। यह कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस दिन मनुष्य को हराहार करना चाहिए और रात को नृत्य करना चाहिए और जागरण करना चाहिए। इसकी कहानी मैं सुनाता हूँ। प्राचीन काल में काम्यपल्ल्य नामक नगर में सुमेधा नाम का एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत ही पतिव्रता थी, लेकिन उनका दुर्भाग्य यह था कि उनके घर में बहुत अधिक दरिद्रता थी। उनके मनुष्यों से भिक्षा मांगने पर भी उनको भिक्षा नहीं मिलती थी। इस कारण उनके यहाँ भोजन वस्त्र आदि की बड़ी ही परेशानी रहती थी। लेकिन उसकी स्त्री बहुत ही अच्छी थी। वह कभी भी अतिथि आता था तो उनका निरादर नहीं करती थी, उनका पूरा सत्कार करती थी और अपने पति से कभी भी वस्त्र और भोजन की मांग नहीं करती थी। लेकिन सुमेधा ब्राह्मण बहुत ही परेशान रहते थे, क्योंकि उनको अपने घर में दरिद्रता अच्छी नहीं लगती थी। बिना धन के घर नहीं चलता है। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर काम करने जा रहा हूँ। लेकिन उसकी पत्नी ने समझाया कि उस जन्म में जिसने विद्या, धन, भूमि आदि का दान नहीं किया है, उसको इस जन्म में कुछ नहीं मिलता है, उसको दरिद्रता ही मिलती है। अतः उसके पति की बात समझ में आ गई और उसने परदेश जाने से मना कर दिया और वहीं पर रहने लगा, अपना समय व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों में के पश्चात कौंडल्य मुनि वहाँ पर आए और उन्होंने ब्राह्मण की दरिद्रता को देखा और बड़े ही चिंतित हुए। उनकी ब्राह्मण की पत्नी ने मुनि का यथोचित जितना बना उतना आदर सत्कार किया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि हे मुनि महाराज, हम लोगों को कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे हमारी घर की दरिद्रता खत्म हो जाए और हम लोगों का परिवार अच्छे से चलने लगे। कौंडल्य मुनि ने कहा कि आप लोग मलमास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करिए, इससे आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो ब्राह्मण की पत्नी ने पूछा कि यह व्रत कैसे करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुबह अच्छा स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की अच्छी पूजा करो और उसके बाद भगवान से माफ़ी मांगो और भगवान से विनती करो कि जो हमसे गलती हो गई हो वो मुझे माफ़ करो और दिन भर निर्जला व्रत करो, शाम को एक टाइम फलाहार करो, रात को गायन, नृत्य, भजन करो और रात जागरण करो और सुबह फिर स्नान ध्यान करके भगवान का पूजन करके और भोजन करो। और अगर पाँच दिन अगर व्रत कर सको तो अति उत्तम है। मलमास के महीने में परमा एकादशी से और अमावस तक 5 दिन व्रत करना चाहिए। स्नान ध्यान करके फलाहार रहो और शाम को एक टाइम भोजन करो तो आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। उसकी पत्नी की बात समझ में आ गया और उसने कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी से 5 दिन का व्रत करने का निश्चय किया और उसने विधि विधान से
5 दिन तक मलमास के महीने में पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की, और पूजा करने के बाद जैसे ही 5वां दिन समाप्त हुआ, एक राजकुमार उनके घर में आए और उनको एक बहुत ही सुंदर महल दे गए, और एक गांव उनकी जीविका चलाने के लिए दे गए। तो ब्राह्मणी की पूजा करने से, ब्राह्मण के मलमास के महीना में पूजा करने से, 5 दिन की पूजा करने से उनकी दरिद्रता खत्म हो गई और वो लोग आनंद से रहने लगे। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उनको समस्त तीर्थों में दान करने के बराबर फल मिलता है। जैसे ब्राह्मणों में 2 पैर वाले मनुष्य, 4 पैर वाले जानवरों में गाय, और सब उसी तरह से हर मासों में मधिमास ज़्यादा ही फलदायक है, सबसे श्रेष्ठ है। अतः मलमास में पूजन दान करना चाहिए। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और मेरे सदस्य बनें।